नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। तो गाइस, आपको बताने में लकड़ी काटने में मशीन, जैसे आज को आप लोग को बताऊंगा, जैसे अगर पिस्टन सीज कैसे होता है, क्यों होता है, आज का पूरा यही वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा कि पिस्टन किस प्रकार से कैसे सीज हुआ, आपको जैसे पूरा एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलता हूँ, पहले आप लोग को चैनसा मशीन को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास चैनसा मशीन, जिसे लकड़ी का मेंटेनेंस है। तो अगर पिस्टन सीज होती है तो आपको कैसे चेक करना है, अगर आपकी जैसे करंट की बैरिंग फूट जाती है, करंट की कैसे ये दिक्कत होती है, तो कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, अगर पिस्टन को चेक करना है कि कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से नहीं दिक्कत है, और करंट का बैरिंग कैसे चेक करना है, इसका करंट का फूटा है, और पिस्टन कैसे सीज होगा, टोटी आयल से होगा कि पेट्रोल मैंने डाला कि टोटी आयल कम डाला, आज इस पूरा ही अच्छे से वीडियो आप लोग को बता दूंगा, यहाँ से पूरी ए से लेकर जट तक पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैं आ चुका हूँ, तो देख सकते हैं लकड़ी काटने वाला मशीन हमारे पास है। बाई चांस मशीन जैसे चालू नहीं होता तो कहाँ से चेक करना है, तो पहले नंबर इसका जैसे मशीन टू स्ट्रोक इंजन है और 58 cc का मशीन है, किल कंपनी का। अगर कोई भी मशीन आता है तो पहले नंबर उसका जैसे स्टार्टिंग परफॉर्मेंस चेक करना है। तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं साइलेंसर का वोल्ट है 2 नंबर, 8 नंबर, यहाँ से एलंकी। अगर स्टार्ट नहीं होता तो पहले नंबर साइलेंसर को ही चेक करो, क्योंकि सबसे पहले टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन ही ज़्यादा सीज होती है, तो पिस्टन को चेक करें, और स्टार्टिंग कहीं से दिक्कत हो गई, जैसे मशीन लोड नहीं लेता है और चैन नहीं चलता है, तो देख सकते हैं चैन वाला यहाँ से दिक्कत होती है, जहाँ से यहाँ घेरी छोटा सा लगा है, यहाँ से चैन वाला दिक्कत होती है। अगर बाय चांस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, तो स्पार प्लग जैसे झटका टाइम में चलता है, तो यहाँ से स्पार प्लग आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ स्पार प्लग है, स्पार प्लग से आप झटका सही कर सकते हैं, इसका मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया, उसको आप जाके देख लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको, अगर यहाँ पर देख सकते तेल नहीं आता है पंपिंग में यहाँ से, और दिक्कत होती है, स्टार्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ पर पहले नंबर इसमें तेल आना चाहिए तभी मशीन चालू होगा, और मशीन एक बार चालू करने के पहले चोक ले लीजिए इसको। तो देखते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और पिस्टन जैसे बार बार सीज होता था, जैसे भाई मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, तो चलते हैं आप लोग को, और मोबाइल नंबर हमसे मांग रहे थे, तो मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया, क्योंकि पहले मैं मोबाइल नंबर देता था तो बहुत जैसे 5G कॉल आता था, इसीलिए मैं मोबाइल नंबर नहीं दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को कोई भी चाहिए तो कमेंट करके ही पूछें, क्योंकि मोबाइल नंबर मैं अभी नहीं दे सकता। यहाँ पर देख सकते हैं पिस्टन सीज होता है तो कहाँ से चेक करें और किस प्रकार से चेक करें। तो यहाँ पर जैसे करंट मैंने देख लिया, करंट एकदम जिसका जाम है, इस जाम कहाँ से, मैंने पिस्टन भी खोला तभी नहीं दिक्कत है। और जैसे देख सकते हैं इसका जो जाम है किस कहाँ से दिक्कत है, तो देख सकते हैं इसका जो करंट वाला बैरिंग है साइड वाला, वही से जैसे करंट पूरा जाम है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पूरी अच्छे से जाम है, अगर मशीन इसी प्रकार से जाम होती है तो एक पिस्टन कट जाता है तब जाम होती है, तो पिस्टन का लॉक टूट जाता है तब जाम होती है, कि तो करंट का बैरिंग यहाँ से फूट जाता है तब जाम होती है। तो इसमें यही ज़्यादा दिक्कत आती है चैनसा मशीन में, छोटी छोटी कमियाँ इसमें दिखाई देती है। और यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं पिस्टन हमारे पास है, जो देख सकते हैं पिस्टन जैसे इसी में देख सकते हैं, इसी मशीन में से इससे निकला है, तो पिस्टन देख सकते हैं लॉक स्क्रेच है। स्क्रेच मतलब क्या है, जैसे टोटी आल भाई कम डालते थे तभी पिस्टन पर स्क्रेच आता था, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिस्टन पे इसी प्रकार से अगर स्क्रेच रहता है, अगर साइलेंसर खोल के आप देखते हैं तो पिस्टन मान के लिए सीज है और टोटी आल भाई कम डाला था, क्योंकि न्यू पिस्टन मैंने देख सकते हैं डाला था इसमें कील कंपनी का, तब भी ऐसे दिक्कत आई, और करंक का बैरिंग जैसे फूटा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं करंक का बैरिंग फूट जाता है तो यहाँ से दिक्कत हुई। देख सकते हैं यहाँ से जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे करंक में लगा है तो ऐसे नचा के उसको घुमा के चेक कर देखते हैं, यहाँ पर इसका बैरिंग जो फूटा हुआ था करंक का। और यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं जब करंक का बैरिंग फूट जाता है तो किस प्रकार से कट पिट लगता है पिस्टन पे, पिस्टन भी ख़राब हो जाता है और करंक भी ख़राब हो जाता है। तो अक्सर अगर आप मशीन पिस्टन में डालते हैं तो करंक को अक्सर ध्यान दें, क्योंकि करंक का बैरिंग फूटा रहेगा तो इसी प्रकार से दिक्कत आएगा। देख सकते हैं कट लग जाएगा इसी, देख सकते हैं ऐसे कट लग जाएगा, इस साइड में कट हो जाएगा, ऐसे ढेर सारी दिक्कत होती है। और टोटी आल आपको किस प्रकार से डालना है इसमें देख सकते हैं, मैं चलता हूँ आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपके लीटर जैसे आधा लीटर का टंकी है, देख सकते हैं यहाँ पर इस टंकी जैसे आपकी मशीन में आधा लीटर का पेट्रोल आ जाता है, तो आधा लीटर पेट्रोल में कम से कम 2 ढक्कन टोटी आल डालें, यहाँ पर देख सकते हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसी ढक्कन से आप नाप के पेट्रोल में 2 ढक्कन ऐसे 2 ढक्कन टोटी आल डालेंगे, और देख सकते हैं 2 ढक्कन इसी प्रकार से टोटी आयल डालेंगे, तो मशीन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब टंकी में जब पेट्रोल डालो उसी प्रकार से आप टोटी आयल, अगर आप मान के चलिए ऐसे पेट्रोल मैंने धर दिया, यहाँ पर ऐसे पेट्रोल मैंने धरिए, तो टोटी आयल जो होती है ना मिक्स नहीं हो पाता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो अगर मशीन आप चलाइए टोटी आयल उसमें तुरंत डालिए, तब मिक्सिंग ज़्यादा होता है। वैसे पेट्रोल में डिब्बा में अगर ऐसे मैंने धर दिया
यहाँ पर इसका टोटियाल नीचे जो होगी और पेट्रोल ऊपर आ जाएगी, तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, तो अक्सर ऐसे मशीन में गलतियाँ करते हैं तो पिस्टन सीज होता है। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, मैं ऐसा ही मशीन का चैन सा मशीन के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ।